काशीनाथ सिंह की एक बहुत ही चर्चित और आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक कहानी है, अपना रास्ता लो बाबा। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम इसी कहानी का सार प्रस्तुत करेंगे और कहानी के उद्देश्य पे चर्चा करेंगे। यह कहानी बताती है कि कैसे आज की जो नई पीढ़ी है, वह नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कटती चली जा रही है, अपने लोगों से वह दूर होती चली जा रही है। विकास और अच्छा जीवन जीना उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके आगे वह किसी भी तरह की अपनी सुविधाओं से समझौता नहीं कर पाते, और जिनके अपने लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के जो अपने लोग हैं, उनसे वह किस तरह से कट जाते हैं या उनको वह अपने साथ रहने लायक नहीं मानते। कहानी का प्रमुख पात्र है देवनाथ, जो शहर में रहता है। ठीक है, और बेंचू बाबा उसके ताया है, उसके पिता के भाई हैं, जो गांव से शहर उससे मिलने आए हुए हैं। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि दृश्य उपस्थित करता है कहानीकार कि देवनाथ जी अपने मोहल्ले की एक गली की दुकान पर सिगरेट खरीद रहे हैं। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है जो देवनाथ के मोहल्ले के बारे में पूछ रही है। वह आवाज उनको थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है, उन्हें लगता है कि मेरे मोहल्ले के बारे में कौन व्यक्ति पूछ रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी में वो क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से घर पहुंच जाते हैं। उन्हें चिंता होती है कोई अतिथि उनके यहाँ न आए। दो तल्ले का उनका बहुत ही सुंदर अच्छा सा घर है, जिसमें वो अपनी पत्नी आशा और अपने दो बच्चों के साथ रह रहे हैं। घर पहुंचकर वह पत्नी आशा से कहते हैं कि ऐसा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है, अगर कोई मेरे बारे में आकर के घर पे पूछे, मेरा पता पूछे, तो उसे मना कर देना, उसे कह देना कि मैं घर पे नहीं हूं। और ऐसा कहके वह ऊपर सोने के लिए चले जाते हैं। ऊपर जब वो सोते हैं तो भी उनको यह चिंता सताती रहती है कि उस अतिथि की आवाज तो नहीं आ रही है, कोई मुझे खोज तो नहीं रहा है, कोई मुझे बुला तो नहीं रहा है, कोई मेरे घर तो नहीं आया। और यही सारी चिंता में वो डूबे हुए हैं। तभी उन्हें पता चलता है, उनकी पत्नी आकर के सूचना देती है कि कोई गांव का देहाती आदमी आया हुआ है और वह घर में घुस गया है। बिरजू बाबा आ चुके हैं घर पे और देवनाथ को प्यार से देवू कहते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम है कि यही देवू का घर है, यही उसका पता है, और वो अंदर आ जाते हैं। पत्नी इस बात की सूचना जाकर देवनाथ को देती है कि वो कह रहे थे कि यही देवू का घर है, कोई तुमसे मिलने आया है, गांव का देहाती आदमी लगता है। देवनाथ जी नीचे उतरकर सीढ़ियों से जाते हैं तो देखते हैं कि उनके ताया जी घर पे पहुंचे हुए हैं। देवनाथ जाते हैं, उनसे मिलते हैं। देवनाथ को देख करके बेंचू बाबा, जो उनके ताया है, बहुत भावुक हो जाते हैं। आत्मीय वार्तालाप होती है, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का, और देवनाथ जी अपने ताया जी के लिए, बेंचू बाबा के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करने ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो पत्नी आशा से कहते हैं कि ताया जी आए हैं और इनके लिए चाय और कुछ मिठाइयां ले लो। तो चाय लाते हैं और इनकी पत्नी जो है वह ताजी बर्फी देने के बजाय जो मिठाई है, खराब सड़ी हुई दो बर्फी प्लेट में दे देती हैं, और यह भी कहती हैं साथ में कि गांव के लोगों के लिए तो यही बहुत है, यही उनको कभी खाने को नहीं मिलता होगा, आप ले जाकर उन्हें यही दे दीजिए। और देवनाथ जी वह दो सड़ी हुई बर्फी एक प्लेट में लेकर के और चाय लेकर के बेंचू बाबा के सामने रख देते हैं। जब तक ये इनके लिए चाय और बर्फी लेने गए थे, तब तक देखा कि बेंचू बाबा जो हॉल है बैठने की जगह, वही पैर हाथ धो के आराम से पानी फैला के बैठ गए। गांव के आदमी, वही जीवन शैली, वही रहन सहन, वही अल्हड़पन, तो उन्हें क्या मालूम कि बाथरूम में जाके पैर धोना होता है और कैसे रहना होता है। वहीं बैठे, पानी उठाया और वहीं पे पैर क्या कर लिया, धो लिया और आराम से पलंग पे बैठ गए। देखते हैं देवनाथ जी तो बहुत परेशान होते हैं मन ही मन, लेकिन अब करे तो करे क्या। बच्चे भी देखते हैं बेंचू बाबा को, तो देख करके उनको लगता है कि कैसा आदमी आ गया है, गंजा सा आदमी और मैले कुचैले कपड़े, जो कि उनके शहरी परिवेश से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। बच्चे भी क्या करते हैं, एक तरह से मजाक उड़ाते हैं उस आदमी का। देवनाथ जी चाय और बर्फी दे देते हैं बेंचू बाबा को। बेंचू बाबा बहुत तसल्ली से चाय पीते हैं और उस बर्फी की खूब तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी मिठाई है, खा लेते हैं। साथ में अपने साथ उनकी भावुकता देखिए। बेंचू बाबा जब आए हैं तो गांव से गन्ने का रस लेकर के आए हैं,
गांव में गन्ने की जब पेराई होती है तो उसका रस होता है, और बड़े तरीके से लेके आए हैं उस पे, गगरी में रख के, आम का पल्लव वगैरह सजा के कलश में जैसे कि लाते हैं, वह लेकर के आए हैं, मटर लेकर के आए हैं, होरहा लेकर के आए हैं। तो उनकी संवेदनशीलता देखिए कि अपने बच्चे से वो मिलने जा रहे हैं, तो उनके पास जो कुछ भी उपलब्ध था बड़ी यत्न से क्या किया है, उसको लेकर के वहां पहुंचे हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं, नाली में बहा देते हैं उस गन्ने के रस को। मजाक उड़ाया जाता है एक तरह से उनका। देखिए उस तब एक एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पे बेंचू बाबा जो है इन सब बातों से अनजान है कि क्या उनके बारे में सब सोचा जा रहा है उस घर में, क्या उनको लेकर के बातचीत की जा रही है, सारी बातें चल रही हैं। इसी बीच अब देवनाथ जी पूछते हैं बेंचू बाबा से कि आपके आने का प्रयोजन बताइए ताया जी, क्यों आए। तब बेंचू बाबा बताते हैं कि देवनाथ, कुछ समय से मेरे पेट में बेतहाशा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे, और इतना दर्द होता है कि कई बार मैं क्या हो जाता हूं, बेहोश हो जाता हूं। मैं इसी दर्द का इलाज कराने के लिए गांव से शहर आया हूं। और यह भी बताते हैं बेंचू बाबा, बेंचू बाबा का एक बेटा है, उसका नाम क्या है, सुदामा। ठीक है, तो यह भी कहते हैं बेंचू बाबा कि सुदामा को कितनी बार कहा कि डॉक्टर के पास मुझे ले जाओ और दिखा दो, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, लेकिन सुदामा बेंचू बाबा को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता है। तो यह सारी बात बताते हैं और अपनी पत्नी को जाकर बताते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर से दिखाना है। पत्नी नाराज हो जाती है, कहती है कि यहाँ हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, अगर इनकी सेवा करनी है तो आप नौकरानी रख लो, नौकर बुला लो, खाना पीना ये सारा इंतजाम मेरे से नहीं होगा। खैर, अब देवनाथ के सामने यह चिंता है कि जल्द से जल्द बेंचू बाबा को क्या किया जाए, घर वापस गांव भेजा जाए। ठीक है, उनकी समस्या सुनकर फटाफट अपनी गाड़ी पे, स्कूटर पे उन्हें बिठाते हैं, और अपने एक परिचित मित्र उनके डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर गर्ग को दिखाने के लिए वह लेकर के बेंचू बाबा को निकल जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ पहुंचते हैं, डॉक्टर गर्ग बहुत तसल्ली से देखते हैं सब बेंचू बाबा को, और देखने के बाद देवनाथ को बताते हैं कि बेंचू बाबा को कैंसर हो गया है, और यह कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, प्राइमरी स्टेज में है। अगर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कर दिया जाए और ठीक ढंग से उनका इलाज किया जाए तो बेंचू बाबा ठीक हो सकते हैं। देवनाथ जी ने कह दिया कि ठीक है, यह बात आप बेंचू बाबा को नहीं बताएंगे, आप बेंचू बाबा को सिर्फ इतना कहेंगे कि उन्हें कोई समस्या नहीं है और वो ठीक हो जाएंगे। जैसे ही ये बात बेंचू बाबा सुनते हैं कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर कहता है कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, भावुक व्यक्ति, अल्हड़ आदमी भावुक हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और डॉक्टर को खूब आशीर्वाद देते हैं, डॉक्टर को खूब दुआएं देते हैं, और वापिस स्कूटर पे बैठकर देवनाथ जी के घर आ जाते हैं। देवनाथ इनको, बेंचू बाबा को घर छोड़ते हैं और शहर में दवाई लेने चले जाते हैं, और जाकर के दवाई की एक दुकान से 10 रुपए में बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ली 52 की जो दवाई होती है उसे खरीद लेते हैं, एक शीशी में बंद कर देते हैं और वापस लेकर चले जाते हैं। और बेंचू बाबा को बहुत तसल्ली से बताते हैं कि ये आपकी दवाई है, इसे इस समय खाना है, इसे इस समय खाना है, और आपको आराम मिल जाएगा। बेंचू बाबा भावुक होकर रोने लगते हैं, उन्हें लगता है कि देवनाथ, जो उनका अपना सगा बेटा नहीं है, उनके भाई का बेटा है, वह कितना कर रहा है इनके लिए, जितना कि मेरे अपने सगे बेटे ने भी नहीं किया। क्योंकि आप कहानी पढ़ेंगे तो बेंचू बाबा कई बार सुदामा से ये कहते हुए पाए गए हैं कि मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दिखा दो, लेकिन सुदामा भी कान आंख बंद किए सब कुछ देख रहा है। और यहां तक कि सुदामा की जो पत्नी है वह भी बेंचू बाबा को खरी खोटी सुनाती है, और कई बार भोजन करते करते ऐसी खरी खोटी सुनाती है कि बेचारे खाना खाते हुए खाना छोड़ करके उठ जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों में बेंचू बाबा एकदम भावुक हो जाते हैं, आंखें उनकी छलछला जाती हैं, और वह देव को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, देवनाथ को बड़ी सारी दुआएं देते हैं, और कहते हैं कि तुमने मेरे लिए बड़ा कुछ किया और अब मैं ठीक हो जाऊंगा,
और अगले दिन घर जाने की अपनी इच्छा जता देते हैं कि अब तो ठीक है, दवा मिल गई, मुझे कल घर चले जाना चाहिए। और बिच्छू बाबा अगली सुबह घर भी वापिस चले जाते हैं। घर वापसी के समय देवनाथ के मन में एक ख्याल आता है बार बार कि अगर ठीक से इलाज कराया जाए तो बेंचू बाबा क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। वह चाहता भी है, मन ही मन उसके उसके मन में यह ख्याल भी आता है कि बेंचू बाबा को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वह इस परिस्थिति में है कि उसे मालूम है कि पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। उनके खाने का इंतजाम, हॉस्पिटल में उनके साथ रहने का इंतजाम, ये सारी चीजें मुश्किलें खड़ी करेंगी। आसान काम नहीं होता है किसी रोगी के साथ रहना, उसको उसकी देखभाल करना, उसका इलाज कराना, एक मुश्किल काम होता है। तो मन में वह सोचता तो है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता है। और वह सोचता है मन ही मन कि बाबा कल गांव जा रहे हैं और संभवतः सदा के लिए जा रहे हैं, वह उन्हें रोक नहीं पाता है। सदा के लिए इसलिए जा रहे हैं कि उसे मालूम है कि उनको एक ऐसी भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया है कि जिससे बच पाना उनका क्या है, मुश्किल है। और तब जब उनको ठीक ढंग से इलाज की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह सोचता है इस खिन्नता में, इस निराशा में थोड़ी देर बेचैन पड़ा रहता है और फिर अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है, सारी जिंदगी और सारी दुनिया और सारा जमाना तुम्हारे सामने पड़ा है और तुम एक बेमतलब के बूढ़े को लेकर मुंह लटकाए बैठे हो। यह सोचकर वह अपने दायित्व से क्या कर लेता है, पल्ला झाड़ लेता है और बाबा को बिना इलाज के मरने के लिए गांव भेज देता है। बेंचू बाबा वापस गांव चले आते हैं और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यह तो कहानी का सार हो गया, लेकिन कहानी खत्म होने के बाद बहुत सारे विमर्श, बहुत सारी बातों को हमारे सामने खोल करके रखती है कि कैसे लोगों में संवेदनशीलता की भारी कमी देखने को मिलती है। अपने ही लोग, उन्हीं को बचाना है, उन्हीं की देखभाल करनी है और आपको लगता है कि आपकी सुविधा में कमी आ रही है। तो लोग आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कैसे अपनी जड़ों से कट गए हैं, अपने संबंधों से वो कटते जा रहे हैं, यह कहानी इसी बात को बहुत खूबसूरत ढंग से बताती है। बिंदुवार तरीके से परीक्षा में कैसे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, बिंदुवार तरीके से कहानी के उद्देश्यों को एक एक बिंदु में हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मैं बिंदु लिख दूंगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और फिर अंत में हम समझ लेंगे कि यह पूरी कहानी किन किन बिंदुओं पे इशारा करती है। ठीक है बच्चे, कहानी के अगर उद्देश्य को समझना चाहें, जो कहानी हमसे कहना चाहती है, उसमें सबसे पहला बिंदु है महानगरीय जीवन शैली का चित्रण। इस कहानी में पात्र देवनाथ के माध्यम से, आशा के माध्यम से, उसके बच्चों के माध्यम से कहानीकार ने महानगरों में रहने वाली जो पीढ़ी है उसका चित्रण किया है कि कैसे महानगरों में रहने वाली जो पीढ़ी है वह शानदार जिंदगी जीती है, बहुत सुविधापूर्ण उनका जीवन है, सुविधाओं से कोई वो समझौता नहीं करते, लेकिन इस जीवन शैली की एक बड़ी विशेषता यह है कि इनके भीतर दूसरों के प्रति संवेदना की भारी कमी दिखाई देती है। अगर इनके पास संवेदनशील मन होता तो इनके पास पर्याप्त संसाधन थे, घर था, बेंचू बाबा को रखकर अपने पास उनको जिंदगी दी जा सकती थी, उनका इलाज करवाया जा सकता था, लेकिन महानगरों में रहने वाले लोग इस तरह की जीवन शैली जीने को अभ्यस्त है कि उनकी जो रूटीन है, उनके जो जीने का तरीका है, उस जीने के तरीके में किसी भी तरह की कोई बाधा वो नहीं चाहते हैं, अपने कंफर्ट से कोई समझौता करना नहीं जानते हैं और इस प्रक्रिया में वह धीरे धीरे संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं। इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से इस कहानी में पिरोया गया है। अब देखेंगे कि कैसे झटक करके आशा कह देती है कि मैं इनकी देखभाल करने के लिए घर में नहीं हूं, नाश्ता खाना, उनकी देखभाल करना, हॉस्पिटल में जाना, यह सब मेरे बस की बात नहीं है, यह मेरे कोई अपने सगे आदमी नहीं। साथ ही साथ देवनाथ के सामने ही इनको सड़ी हुई खराब बर्फी खाने के लिए दी जाती है, बेंचू बाबा को,
और देवनाथ भी इस बात को मौन स्वीकृति धारण कर उनको खाने के लिए क्या कर देता है, शरीफी बर्फी दे देता है। बच्चों को भी देखे, बच्चों को भी वह आया हुआ आदमी जो लगता है, क्या लगता है, एक देहाती आदमी लगता है, मजाक का विषय लगता है। तो महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं, इस कदर उनकी जीवन शैली कि जिसमें वह किसी और को अपने जीवन में अपने साथ शामिल करना नहीं चाहते हैं, इस बात को बहुत खूबसूरत तरीके से इस कहानी में चित्रित किया गया है। ठीक है, दूसरा विषय आता है बुजुर्गों की दुर्दशा का चित्र, और यह हमारे समय का एक बहुत ही भयावह सच है, और यह सच दिनों दिन विकराल होता जा रहा है कि किस तरह से जो बुजुर्ग हैं वह बुजुर्ग एक खराब जिंदगी जीने के लिए विवश होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कभी वृद्धाश्रम की परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी, लेकिन आज आप सोचें कि वे माँ बाप जिन्होंने अपने सारे अरमानों का गला घोटकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया अच्छी जिंदगी दी, अपने बहुत सारे अरमानों का गला घोटा, और जब वही बच्चे जीवन में कामयाब हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि माँ बाप के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है, इनकी जगह तो क्या है, वृद्धाश्रम में है, और वह उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वह उन्हें छोड़ देते हैं। यह एक घोर अमानवीय स्थिति है जिसमें यह गहराई से यह बात चुभती है कि जिसने अपने जीवन को ही तुम्हारे ऊपर समर्पित कर दिया, आज वही आदमी तुम्हारे घर में रहने लायक नहीं है, तो इतनी एक भारी विडंबना, एक खराब परिस्थिति हमारे सामने आ रही है। इसलिए आप देखें कि लगातार बुजुर्गों की जो अवहेलना हो रही है, बुजुर्गों की जो दुर्दशा हो रही है, वह बहुत ही एक त्रासद स्थिति है हमारे समाज में, और यह नहीं होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। बुजुर्ग बहुत सम्मान प्रेम और ध्यान के अधिकारी हैं, उन्हें इस तरह से बिलगा देना, इस तरह से अलग कर देना बहुत दुखद है, बहुत खराब स्थिति है। और यह बात सिर्फ शहरों में नहीं है, गांवों में भी ये चीज आप देखने को मिलती है। आप देखें इसी कहानी में बेंचू बाबा का जो बेटा है, कौन है उसका नाम, सुदामा, सुदामा बेपरवाह है। बेंचू बाबा उसको कई बार कहते हैं कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, और यहां तक वो बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन उनका बेटा उनको डॉक्टर से दिखाने के लिए समय नहीं निकाल पाता है। और जो बहू है सुदामा की पत्नी, वह भी इस तरह के कड़े बोल बोलती है, इस तरह से दुर्व्यवहार करती है कि बेंचू बाबा उसके चरित्र व्यवहार से भी क्या होते हैं, दुखी रहते हैं। तो हमारे समय में बुजुर्गों को इग्नोर करने की, उनकी अनदेखी करने की, और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की एक जो परिस्थिति पैदा होती जा रही है, जो बढ़ती जा रही है, उसका बहुत मार्मिक चित्रण किया है, और कहीं ना कहीं हम सब के सामने एक सवाल खड़ा किया है कि क्या हम एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ हमारे माँ बाप, जहाँ हमारे दादा दादी जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें गढ़ा है, कष्ट झेले हैं हमें पालने पोसने में, हम उन्हें इग्नोर कर दें, उनकी अनदेखी कर दें, और वो एक खराब जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाए। और अगर यह प्रक्रिया चलती रही तो उम्र का क्या है, हम सब बूढ़े तो होंगे ही एक दिन, हमारा बच्चा देखेगा कि हमारे पिता ने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है, तो वही चीज वह सीखेगा हमसे भी, और कल हम भी उसी वृद्धाश्रम में कहीं ना कहीं कैद होंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। तो घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हो, हम सब उनके प्रति संवेदनशील हो सके, यह कहानी हमें सिखाना चाहती है, यह कहानी हमें बताना चाहती है, क्योंकि आज हम युवा हैं, कल हम सब क्या है, रोज दिन ढल रहा है, हम भी तो ढल ही रहे हैं, तो ये तो प्रक्रिया है, कोई ऐसा हुआ है जो बूढ़ा नहीं हुआ है, सब बूढ़े हो जाएंगे एक दिन। तो बुजुर्गों की जो दुर्दशा है उसका बहुत बारीक चित्रण इस कहानी में मिलता है। ठीक है, ग्रामीण जीवन की सरलता का चित्रण यह कहानी का एक बहुत सुंदर हिस्सा है। आप देखें कि बेंचू बाबा का जो पूरा चरित्र है, ठीक है, वह सिर्फ एक बेंचू बाबा का चरित्र नहीं है, गांव में रहने वाले सभी बाबाओं का चरित्र वैसा ही होता है, अलहड़ मस्त, इतने प्यार से घर में जाकर और जिद कर देते हैं कि मैं जानता हूं यही देवू का घर है। देवनाथ नहीं कहते हैं, देवू कहते हैं। ग्रामीण लोग सहजता से बच्चों को प्यार से छोटे नाम से बुलाया करते हैं ना, तो उसी अधिकार भाव के साथ बेंचू बाबा कैसे पहुंच जाते हैं देवनाथ जी के घर, उन्हें आत्मीय संबोधन के साथ देवू कह करके बुलाते हैं, और सरल सहज स्वभाव है, आधुनिक दुनिया की जीवन शैली से कोई लेना देना नहीं है, तो जहां बैठे हैं वहीं पांव धो लिया, ठीक है, क्योंकि गांव का तो जीवन होता ही है,
वहीं पांव धूलिया पैर में बेवाय फट गए हैं, उसका भी जिक्र किया है कहानी में, और अल्हड़ होकर के बैठ गए हैं और बातचीत कर रहे हैं। और क्या, सहजता देखिए, रस लेकर आए हैं, गन्ने का रस लेकर आए हैं, मटर लेकर के आए हैं, होरहा लेकर के आए हैं। गांव के लोगों में ये संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होती है, जब वो किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, उनके लिए ले करके जाते हैं, कोई अच्छी चीज उन्हें देते हैं। और ऐसी चीज रस लेकर के, कलश लेकर के आना बहुत मुश्किल काम था। और बताते भी हैं कि बेंचू बाबा कि सुदामा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो ये जो गगरी भर आप शरबत लेके जा रहे हैं इसमें तो गुड़ निकल जाता, दो तीन भेली कहते हैं उसको, गट्ठा, दो तीन गुड़ का गट्ठा निकल जाता, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अपने बच्चे से मिलना था, देव से मिलना था, तो मैं तो लेकर के आया। ये बात और है कि उनका लाया हुआ जो रस है, इतनी मेहनत से लाया हुआ रस, उसे नाली में क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बहा दिया जाता है, उसका कोई मोल नहीं रहता है। लेकिन उस व्यक्ति के भाव को देखिए, उसकी सहजता को देखिए कि वह कितने प्यार से अपने बच्चे से मिलने आया है और उसे ला करके देता है। चौथा और जो पॉइंट है इस कहानी का, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अतीत की स्मृतियों से उत्पन्न अपराध बोध। ऐसा नहीं है कि देवनाथ को यह बात बुरी नहीं लगती है, क्योंकि उसका बचपन जो था वह गांव में ही बीता था और पिता की मृत्यु के बाद वह वापस शहर आ गया था। और वह सोचता भी है कि अगर पिता नहीं की मृत्यु नहीं होती तो सब तो एक ही जैसे थे, एक ही जैसे होने थे, सब में सबको एक जैसा ही होना था। लेकिन वह चाह कर भी, चाहता तो है लेकिन उसकी चाह बहुत प्रबल नहीं है, या उसकी परिस्थितियां और उसके उसकी जो जीवन शैली उसे चाह करके भी इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वह बेंचू बाबा का क्या कर सके, इलाज करवा सके, और वह उन्हें मरने के लिए वापस गांव भेज देता है। लेकिन ऐसा करते हुए वह बचपन की अपनी बहुत सारी स्मृतियों में खो जाता है, जो बचपन के दिन उसने अपने गांव में बिताए थे। और उसके मन में इस अतीत की स्मृति से, जहां उसकी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और बेंचू बाबा के साथ बचपन के बिताए हुए अनगिनत पल उसे याद आते हैं, और वह एक खास किस्म के अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है कि वह चाहता तो कहीं ना कहीं बेंचू बाबा को बचाया जा सकता था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया है। तो एक द्वंद्व की स्थिति में उसके चरित्र को गढ़ा है कहानीकार ने, जो बहुत ही स्वाभाविक है। और आपको वह पंक्ति मैंने सुनाई थी कि अंत में जब वह कहता है, जब वह बहुत परेशान है तो उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, इसी द्वंद्व में वह फंसा हुआ है। और फिर वह कहता है कि सारी जिंदगी और सारा जमाना पड़ा हुआ है और तुम एक बेमतलब के बूढ़े को लेकर के मुंह लटकाए बैठे हो। और वह इस बात से अपने आप को तसल्ली देता है, अपने दायित्व से पल्ला झाड़ लेता है और बेंचू बाबा को गांव वापस भेज देता है। और यह जानते हुए भी कि वह सिर्फ गांव नहीं भेज रहा है, बेंचू बाबा को वह हमेशा हमेशा के लिए भेज रहा है। तो एक जो द्वंद है, अपराध बोध की स्थिति, उसका भी वर्णन किया है यहाँ पे, ठीक है। और अपनी जड़ों से अलग होती पीढ़ी का चित्रण, देवनाथ सिर्फ एक देवनाथ नहीं है, ऐसे हजारों लाखों देवनाथ आज के हमारे समय में हैं, जो विकसित होने की प्रक्रिया में, आगे बढ़ने की प्रक्रिया में, ठीक है शहर अच्छा माहौल देता है, अच्छा वातावरण देता है पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए, सुविधाओं के लिए, ये बात सही है। लेकिन शहर ने तो ये कभी नहीं कहा ना कि तुम अपनी जड़ों से कट जाओ, अपने समाज को भूल जाओ, अपनी परंपराओं को भूल जाओ, अपने लोगों को भूल जाओ। लेकिन आज की पीढ़ी बेहतर सुविधा, बेहतर जीवन शैली और सफलता के लिए क्या करती है, वह आगे बढ़ जाती है, गांव से आगे शहर में चली जाती है, कुछ लोग देश छोड़कर विदेश भी चले जाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या है, वो अपनी जड़ों से, अपने समाज से और अपने सगे संबंधियों से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनसे कट जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक देवनाथ की कहानी नहीं है जो अपनी जड़ों से और अपने लोगों से दूर हो गया है, ऐसे हजारों लाखों देवनाथ हमारे समाज में हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बढ़े और बड़े होने के बाद बेहतर नौकरी, बेहतर रोजगार, बेहतर सपनों की तलाश में वह शहर चले गए या कहीं और दूर चले गए और धीरे धीरे वहीं रह गए, वहीं बस गए, उसी जीवन शैली को अपना लिया और अपने गांव के लोगों को, अपने लोगों को
भुला दिया या उन लोगों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से क्या कर लिया, पल्ला झाड़ लिया, या यूं कहें कि धीरे धीरे आत्म केंद्रित हो गए, इतने स्वार्थी हो गए कि उस आत्म केंद्र ने, उस स्वार्थ ने उन्हें कब मनुष्य से व्यक्ति बना दिया, कब उन्हें संवेदनहीन बना दिया। यह बहुत ही मार्मिक प्रसंग इस कहानी में आया है। आई बात समझ में? और अंत में शीर्षक का महत्व, अपना रास्ता लो बाबा। ठीक है, सीधे सीधे इस शीर्षक में एक चोट है कि जैसे कि आज की यह नई पीढ़ी कह रही है बाबा से, बुजुर्गों से, अपने पुराने लोगों से कि आप अपना रास्ता ले लो, हम आपके किसी काम में आने वाले नहीं हैं। और इसी भाव को यह पूरा शीर्षक चरितार्थ करता है कि जिस तरह से, ठीक है, चाहते हुए भी, एक कसक तो थी ही देवनाथ के मन में, चाहते हुए भी वह बाबा का साथ नहीं दे पाता है, उनका इलाज नहीं करा पाता है, उनको जिंदगी नहीं दे पाता है, और अंत में ये कहते हुए कि इस बेमतलब के बूढ़े के लिए क्यों चक्कर में पड़े हो, और बाबा को मरने के लिए गांव भेज देता है, जैसे कि वह बाबा से कह रहा हो कि आप अपना रास्ता ले लो, हम आपके किसी काम आने वाले नहीं हैं। और यह भी देखे कहानी के प्रारंभ में कि वह बचना चाह रहा था, जब उसने आवाज सुनी, बाबा की आवाज सुनी तो उसे परिचित आवाज लगी, तो सकरी गलियों से वह घर पहुंच जाता है और पत्नी को जाकर के भी क्या कहता है कि कोई आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं। तो वह बचना चाहता है, हर हाल में बचना चाहता है, यानी कि कहना चाहता है कि उसका भी अपना एक रास्ता है और उस रास्ते पे वह कोई दखलंदाजी नहीं चाहता है, इसलिए वह कह रहा है अपना रास्ता लो बाबा। आई बात समझ में? इन्हीं सारे विषयों के साथ यह कहानी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी और कहानी के संपूर्ण उद्देश्यों को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, प्रश्न का उत्तर लिखते समय शीर्षक दे, और शीर्षक देने के बाद, ये शीर्षक जो है ना, उसके बाद इससे जुड़ी हुई बात थोड़ी थोड़ी जो मैंने बताई है उसे आप लिखते हैं। ठीक है, अभी बस समझ में?